हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बंगाली स्टाइल में फ़िश कड़ी। तो चलिए देख लेते हैं ये फ़िश कड़ी कैसे बनाएंगे और क्या क्या चाहिए इसके बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने 1 केजी फ़िश लिया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक और इसे अच्छा से हम कोट कर देंगे फ़िश के ऊपर इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हाथों से इसे अच्छा से मिक्स कर लेना है फ़िश में। तो हमने इसे अच्छा से मिक्स कर लिया है और इसे पहले फिश को हमने अच्छा से धो लिया था, उसके बाद से हल्दी नमक इसमें अच्छा से मिक्स किया है। अब गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रखा हुआ है और इसमें सरसों वॉयल को गर्म किया है मैंने। तो आप देख सकते हैं गर्म हुए वॉयल में हम फिश को ऐड कर रहे हैं और इस तरीके से एक बार में जितना फिश आएगा उतना फिश हम इसमें ऐड कर देंगे और 2 से 2.5 मिनट तक हम एक साइड फ्राई करेंगे, उसके बाद इसे पलट लेंगे। दूसरे साइड भी हमें 2 से 2.5 मिनट इसे फ्राई करना है। इसी तरीके से पलटते हुए हमें दोनों साइड से अच्छा से फ्राई कर लेना है क्रिस्पी होने तक। तो आप देख सकते हैं इसे हमने दूसरे साइड पलट लिया है और दूसरे साइड भी हम 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लिए हैं और फिर वापस इसे पलट रहे हैं। इसी तरीके से पलटते हुए हमें अच्छा से इसे फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छा से फ्राई हो चुका है और कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये बंगाली फिश कड़ी बहुत ही आसानी से बनता है, बहुत टेस्टी भी बनता है, बहुत इजी तरीका है इसे बनाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे फिश को फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फिश को निकाल लिया है फ्राई करके और कितना अच्छा कलर आया है। अब इसी तेल के अंदर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना और 1/2 टेबल स्पून कलौंजी और 2 से 3 तेज़पत्ता ऐड करेंगे और इसे अच्छा से हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद से इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ हम ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। अब इसमें सूखे मसाले हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, उसके बाद से हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, उसके बाद से धनिया और जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, यहाँ पे मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, हम 1/2 टेबल स्पून डाले हैं और इसे हम कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद से ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें 2 टमाटर का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ और इसे भी अच्छा से हम भुनेंगे सारे मसालों के साथ। तो आप ये देख सकते हैं इसे चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है और यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो चुका है तो मसाला अच्छा से कुक हो गया है। अब इसके अंदर हम ये राई का पेस्ट डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून और इसे भी मसालों के साथ हमें फ्राई करना है। मसाले तो अच्छे से कुक हो चुके हैं तो लास्ट में हम इसमें ये राई का पेस्ट डाल रहे हैं और अच्छा से हम इसे भी भून लेंगे 2 मिनट के तक। आप देख सकते हैं ये पेस्ट भी फ्राई हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा से भुन चुका है मसाला। तो यहाँ पे 1 गिलास पानी हम ऐड कर रहे हैं और अच्छा से मिक्स कर देंगे मसालों के अंदर पानी को। तो ये आप देख सकते हैं आप ग्रेवी कम या ज़्यादा जैसा पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें ऐड करें और जो उसके बाद से लास्ट में हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम फिश को इसमें ऐड कर देंगे जो फ्राई किया हुआ फिश है और ऐड करने के बाद हम एक एक फिश को आराम से पलट लेंगे इस तरीके से। सारे फिश पलटने के बाद इसे हम ढक कर के 5 मिनट कुक करेंगे। तो चलिए 5 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बन चुका है। तो इसमें अब गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी, उसके बाद से इसमें 2 से 3 या जितनी आपको पसंद हो तो आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। कटी हुई हरी धनिया मैंने ऐड किया हुआ है और इसे हल्के हाथों से एक बार हम मिक्स कर देंगे ताकि गरम मसाला चारों तरफ मिक्स हो जाए। हल्के हाथों से मिक्स करें नहीं तो फिश टूटने का डर रहता है।
इस तरीके से। तो ये बिल्कुल बन के रेडी है फिश। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आपको एक बार सर्व करके दिखा देती हूँ इसे। इसे रोटी पराठा या चावल किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। चावल और रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर आप बताइए। और यदि अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और फ्रेंड्स ये बंगाली फिश कड़ी है तो थोड़ा सा येलो ही होता है, बिल्कुल रेड कलर में नहीं होता है। तो ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर आप बताइएगा। थैंक यू।